जरा रसोई में आप भी लग जाइए और थोड़ा पकाने में मदद दीजिए और फिर दोनों खा के जाइए और आकर दोनों मिलकर प्लेट साफ करिए, थाली साफ करिए। नहीं, कोई मजाक की बात नहीं, कुछ अब और देशों में ऐसा होने लगा है, मगर ऐसा मजबूरी में क्यों हो? ये ठीक है यार, शेफ मेहनत करने वाले बहुत हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा दीजिए, लोग जो आ जाएंगे रसोई बना देंगे, बर्तन साफ कर देंगे, मगर जो नहीं कर सकते हो, जो घर में महिलाओं पर बोझा डालकर चली जाती है, और महिला मोर्चा केवल यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि वो कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करता है, वो तो जरूरी है, लेकिन महिलाओं की कुछ और भी समस्या है, नौजवानों के प्रश्न है, परगणित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अल्पसंख्यकों के सवाल, अगर लोगों को बड़े पैमाने पर साथ लाने का प्रयास नहीं होता है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस समय जैसे 2 साल पहले बड़ी संख्या में बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए लालायित थे, अब फिर जुड़ रहे हैं। 6 दिसंबर के बाद मुस्लिम समाज में भी एक फिर से सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई, दिसंबर की घटना से उन्हें धक्का जरूर लगा, लेकिन उनकी यह भी समझ में आ गया कि क्या सचमुच में राम मंदिर के निर्माण के सवाल पर भावना इतनी गहरी है, इतनी तीव्र है। एक मुस्लिम संगठन के नेता हम लोगों से मिलने के लिए आए थे कि साहब हमारे यहां हमारा आपका संवाद होना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। हमने कहा हाँ जरूर मिलते जुलते रहना चाहिए, मगर वो कुछ कठिनाइयां हैं। कहने लगे कठिनाई क्या है? तो मैंने कहा कि शायद मैं ये समझता हूं कि आप भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, और अगर मैं कहूं कि मैं भारत का हिंदूकरण करना चाहता हूं तो संवाद के लिए आधार क्या है? कहने लगे ये नहीं, हम तो नहीं कहते कि हम इस्लामीकरण करना चाहते, हम तो कहते हमें इस्लाम का पालन करने की छूट होना चाहिए। इसमें कौन सी रुकावट है? कोई रुकावट नहीं, ये बात उनकी समझ में आ रही है। आज श्री जगमोहन जी कह रहे थे कि कश्मीर धारा 370 कश्मीर के आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा सकी, ये सच है, मगर उस आम आदमी को समझाया भी नहीं जा सका। आज मुस्लिम समुदाय को भी ये समझाने की जरूरत है कि बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में जाओ, काम धंधों में लगो, और पुराने वातावरण में से माहौल में से निकलो। और दलों की इसमें रुचि नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर केवल वोट पर नहीं। मंडल कमीशन को लेकर काफी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मगर उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, आज से नहीं वर्षों पहले तय हो चुका है, कल भी उस पर प्रकाश डाला गया। तो सर्वस्पर्शी कार्यक्रम लेकर हम राजनीति के मैदान में आए, तो संयोग की बात है कि अयोध्या का मामला गर्म हो गया, बल्कि उनके घोटाला शिरोमणि हर्ष मेहता के शब्द को विश्वास कर और इसकी अखबार सरकार का समर्थक, और बाद में उसने लिखा है कि ये बीजेपी वाले शरारत पर आमादा है, इनको ठीक करो। असत्य में से सत्य कैसे निकल सकता? इसमें भी जो 85 लाख की बात है वो नांदियाल के बाई इलेक्शन के लिए, क्या चुनाव के खर्च की सीमा सवाल ही नहीं? धन दे जाओ, चुनाव का बहाना बना के दे जाओ। अब प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि मैंने लिया या नहीं लिया, मिले या नहीं मिले ये भी नहीं कह रहे हैं, उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है कि उन्हें याद नहीं है मिला कोई मिला कि नहीं मिला। और कोई सज्जन न्यूयॉर्क में चले गए वो भी यही कह रहे हैं,
कि मुझे याद नहीं है जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो हर्षद मेहता मेरे साथ थे या नहीं थे, ये ठीक नहीं है। मैंने यह भी कहा कि मुझे दुख है सचमुच, भारत का प्रधानमंत्री, इतने महान देश का प्रधानमंत्री, और भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आकर एक बार फिर हटाया जाए, एक बार फिर, बड़े दुर्भाग्य की बात। लेकिन अब आंध्र वाले कहते हैं कि साहब आप इन्हें जानते नहीं हो, हम जानते हैं। हमने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग तो समझे अच्छे आदमी है, पंडित आदमी है, राजनीति से हटना चाहते थे, अपनी लाइब्रेरी भेज दी थी, बिस्तर बांध रहे थे, और राजीव गांधी की हत्या हो गई, लोगों ने नहीं आए। लेकिन अब जो रूप सामने आया है सचमुच में, लेकिन कसौटी पर हम भी कसे जा रहे हैं और आने वाला काल हमें भी कसौटी पर कसेगा। और अगर उनका उनके दामन पर लगा हुआ बड़ा दाग लोगों का ध्यान आकृष्ट कर पाता है तो हमारे यहां थोड़ी सी अगर कालिक भी मर गई, लोग माफ नहीं करेंगे और हमारा अंतर्यामी हमें कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है जिसे मैं आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संबंध में अंतिम निर्णय करेंगे। चुनाव के लिए धन कैसे इकट्ठा किया जाए, काला धन आता है उसका कोई हिसाब नहीं रहता, अलग अलग स्तरों पर आता है, काला धन देने वाले बड़े चतुर होते हैं, वो पार्टी को अलग देते हैं, उम्मीदवारों को अलग देते हैं, उनसे आगे काम निकलेगा इस आशा से देते हैं। चुनाव के लिए अगर धन की आवश्यकता हो तो हम केवल चेक से धन लेंगे और तरीकों से धन नहीं लेंगे, क्या हम ये निर्णय करने की स्थिति में हैं? केवल चेक से धन लिया जाएगा। हम पार्टी के स्तर पर जो रकमें इकट्ठी करेंगे, छोटी छोटी रकमें इकट्ठी करेंगे, थैलियां भेंट करेंगे, वो अलग है। अभी अडवाणी जी गए थे महाराष्ट्र में, स्थान स्थान पर उन्हें थैलियां दी गई, अच्छी रकम इकट्ठी हुई है, 85 लाख तो नहीं मुझे बताया, 50 लाख इकट्ठी हुई है। और किसी हर्षद मेहता ने नहीं दिए, छोटे छोटे लोगों ने दिए, कार्यकर्ता उनके घर तक गए हैं। हमें धन भी चाहिए और हमें आपका मन भी चाहिए। अटल जी नागपुर में 31 लाख भेंट किए गए जिसमें से 20 लाख रुपए 101 और उससे कम राशि से प्राप्त हुए। बहुत अच्छा। 50,000 से अधिक लोगों ने इस 31 लाख की थैली में योगदान दिया। बताइए, वोट भी दो और नोट भी दो। ये खाली नारा नहीं रहना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब और तरह से धन आना बंद हो जाएगा, चेक से लोग दें, खुलेआम दें, हम खुलेआम लें, और बाकी की छोटी छोटी रकमें और उनका हिसाब रखें, उनका ऐलान करें। भ्रष्टाचार एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है और उस भ्रष्टाचार के गढ़ पर अगर प्रहार करना है और अगर राजनीतिक जीवन में शुचिता का, पवित्रता का समावेश करना है तो बेंगलोर से ये शंखनाद होना चाहिए कि हम काले धन के बल पर राजनीति नहीं करेंगे। एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना चाहिए, जूझ जाना चाहिए। केवल यही लक्ष्य कार्यकर्ताओं को एक नई स्फूर्ति से भर देना चाहिए। ये जनसंपर्क का भी एक तरीका है, घर घर हम जाकर पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे लड़ेंगे, पैसा कम होगा तो कम खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, नहीं तो हम भी ज्यादा खर्च करते जा रहे हैं।
57 में पहली दफा चुनाव लड़ा, हमारे पास दो जीपें थी, एक तो पार्टी ने दी थी और एक स्थानीय आधार पर इकट्ठी कर ली थी, और लड़ गए और जीत गए। अब कितना जीतों का काफिला चलता है बताने की जरूरत नहीं है। ये जड़ जड़ पर कुठाराघात होना चाहिए और हम कर सकते हैं, कम से कम हमें इस करने का प्रयास तो करना चाहिए, ये संकल्प लेकर यहां से वापस जाना चाहिए। मैं जानता हूं कुछ कार्यकर्ता कहेंगे बड़ी कठिनाई है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्णायक घड़ी है, इसमें धन कम नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए, आप जोड़िए धन, मगर धन थोड़ा कम पड़ जाए तो प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके हमारे इतिहास का पन्ना पलट देंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हम सबसे अलग हैं, इससे बड़ी बात और लोगों के ध्यान में कोई नहीं आता। आप इस पर और मंथन करिए, चर्चा समाप्त करने से पहले एक बात मैं और कहूंगा, हमने विधानमंडलों के लिए संसद के लिए एक आचार संहिता बनाई है, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। हमारे सांसद हमारे विधायक कुएं में कूद जाते हैं, जंप इनटू द वेल, सीट छोड़ देते हैं, फिर कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, हाथापाई की नौबत हो जाती है, अध्यक्ष महोदय कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। क्या ये जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? क्या किसी सवाल को धमाके से उठाने का यही तरीका है? ये तरीका नहीं। और राजनीतिक दल करते हैं, ये बात सच है। अब उन्हें हम अपने समकक्ष में रखें, दूसरे दिन शायद कम खबर छपेगी, थोड़ी कम छपेगी, और कार्यकर्ताओं को रहना भी सुनना पड़ेगा। अब जेपीसी में हमारे सदस्यों ने इतना काम किया है, ये बात अलग है कि उन्होंने मर्यादा तोड़कर अखबार वालों को इधर उधर से खबरें नहीं दी, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, उस आचार संहिता का ठीक तरह से पालन हो, इस पर सब विधानमंडलों के हमारे सदस्य संसद के सदस्य भी विचार करें, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि देश परिवर्तन के लिए तैयार है, हम पर भारी जिम्मेदारी आने वाली है, हम तैयार हैं या नहीं, जरा अपना हृदय टटोल कर देखें। स्थिति ऐसी उत्पन्न होने वाली है कि हम अगर जिम्मेदारी से भागना भी चाहें तो कोई हमें भागने नहीं देगा, लोग संभालो, और उस घड़ी में हम देश की आशाओं को अपेक्षाओं को पूरा कर सके, इस तरह का मन बनाकर संकल्प करके यहां से हमें जाना चाहिए।